बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदूम। और इस वक्त मैं मौजूद हूं थन्ना मंडी सब डिवीजन के डन्ना इलाके में, और छोटी सी नदी इस गांव के बीच जो पूरे इलाके की खूबसूरती बनाए हुए है, इसी के बीच जो जुल्म और सितम की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी जो है ये थन्ना मंडी के सब डिवीजन थन्ना मंडी के डन्ना एरिया के है, जहां पर ये छोटे छोटे मछली के बच्चे जो हैं वो इस दरिया में, इस नदी में मरे हुए पाए गए हैं। आज हमने जब यहां विजिट किया तो हमने देखा ये पूरी नदी, मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा ये दिखाए, ये पूरी नदी है, वहां तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी से ये नदी जो है ये पानी वहां से आ रहा है, और वहां से लेकर थन्ना मंडी तक यानी टाउन के एरिया तक यही हालत है। हम यहाँ के मकामी लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये मछली के बच्चे हैं, ये मरे हुए पाए जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जब हमने पूरी तफ्तीश की तो पता ये चला कि ये छोटे बच्चे ही मछली के मरे हुए हैं, जो बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस वक्त हम पहुंचे और हमारी बात जब यहाँ के लोकल से हुई, यहाँ के मकामी लोगों से हुई, उनका कहना था कि फिशरी डिपार्टमेंट को यहाँ पर भेजा जाए, देखा जाए कि ये मछली के बच्चे आखिर मर क्यों रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, क्या कोई बीमारी है या कोई ऐसे शरपसंद लोग हैं जो ये जुल्म कर रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ पर कोई दवाई डाल रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ पर कोई बिजली का सर्किट शॉर्ट यहाँ पर कर रहे हैं कुछ, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है यहाँ पर मरे। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा ये भी दिखाएं, यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काफी सारे बच्चे हैं वो मरे हुए पाए गए हैं। आप बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये देखिए ये मछली के बच्चे हैं। और यहाँ पर मैं कहूँ कि कुदरत के साथ एक धोखा किया जा रहा है, कुदरत की इस खूबसूरती को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, कुदरत की इस खूबसूरती को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर इन मछलियों को पालने के लिए सरकार न जाने कितनी स्कीमें चला रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, लेकिन हम उम्मीद करेंगे जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी फिशरी डिपार्टमेंट की खसूसी टीम यहाँ पर भेजेंगे और पूरे इस मामले का मुआयना करेंगे, और पूरी तहकीकात करने के बाद ये पता चलना चाहिए कि आखिर ये बच्चे क्यों मर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का। मेरा नाम मोहम्मद जफर है, मैं डन्ना में रहता हूँ, डन्ना आसपोर्ट जो पड़ता है। हमारे गांव में छोटी सी नदी जाती है, इधर हमें अभी घास काट के आ रहे थे, सभी दरिया में छोटे छोटे बच्चे मरे हुए पड़ रहे मिल रहे हमें, तो हमने ये अभी देखा है, पता नहीं क्या हुआ इनको क्या नहीं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ ये किस चीज से मरे हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, किसी ने करंट डाला है, कोई दवाई डाली है, आप खुद मर रहे हैं, क्या वजह इनको, डिपार्टमेंट फिशरी भेजा जाए और देखा जाए ये क्या हालत है इनकी क्या नहीं। मेरा नाम साजिद नवाज है, मैं थना मंडी डिस्ट्रिक्ट तहसील थना मंडी एक्सप्लोर डना कराने वाला हूँ। दरिया में छोटे छोटे मछली के बच्चे मरे हैं, तो ये लिहाजा देखा जाए दरिया की खूबसूरती है, किस वजह से किसी ने करान डाला है, किसी ने दवाई पॉइजन डाला है क्या, ये बहुत खूबसूरती है दरिया की और जुल्म हो रहा है बहुत, तो इस पे डीसी राजौरी से अपील है तो डिपार्टमेंट भेज के इसकी तहकीकात की जाए। वेलकम टू द फ्रेटर्निटी ऑफ डीपीएस। डीपीएस बारामूला ओपन्स इट्स एडमिशंस। You are welcome to enjoy a global identity for you. DPS is the world leader in the field of school education. Join us for a global identity. Join us to develop modern yet conventional personalities. Join us to become leaders in different walks of human life. DPS is special because we have a child-centric approach to studies. We are the most sensitive, responsive and responsible CBSE school. We believe in the blend of conventional orientalism. We develop the qualities of benevolence, trust, tolerance, integrity, compassion to our students. You are welcome to seek admissions in DPS Baramulla. Thank you.